ओके सो आप लोग अपने से बहुत से स्टूडेंट्स ने पहले से ही एचटीएमएल पढ़ा भी होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट में एचटीएमएल होता क्या है? सो व्हाट इज एचटीएमएल? ये सर एचटीएमएल है क्या? वेबसाइट का जो स्ट्रक ये सर जस्ट लाइक ए स्ट्रक्चर ऑफ ये वेबसाइट जैसे मार्कअप ये बेस या बेसिकली एचटीएमएल इज अ मार्कअप लैंग्वेज। सो इन कंप्यूटिंग एचटीएमएल क्या है? इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज और ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए होती है। तो बेसिकली जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं वेबसाइट बनाना, तो सबसे पहला पार्ट उसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर बेसिकली वो पार्ट है जो जिस पे हम कंटेंट देखेंगे। सो व्हाट एवर वी आर कैन सी, जो भी हम ब्राउजर की विंडो पे देखेंगे वो एचटीएमएल से ही बनता है। ठीक है, जितनी भी स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं उनके पेजेस का एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल होते हैं, जैसे कि हमने कल एक छोटा सा पेज बनाया था। ठीक है, लेकिन जितनी भी डायनेमिक साइट्स होती हैं उनके एक्सटेंशन वेरी करते हैं, डायनेमिक होते हैं। जैसे नोड जेएस है तो डॉट जेएस एक्सटेंशन होते हैं, पीएचपी है तो डॉट पीएचपी होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। एक एचटीएमएल की फाइल, जैसे हमने कल भी किया था, हेलो एचटीएमएल नाम की फाइल, और इसको सेव कर देते हैं ऑन एनी लोकेशन। लेट्स से मैंने डेस्कटॉप यूज किया, तो मैं फाइल को नेम कुछ भी दे सकता हूँ। लेट्स से मैंने फाइल को नेम दिया 9th of Jan, आज की डेट, बट एक्सटेंशन क्या दे रहा है मुझे डॉट लगा के, HTML, HTML. डॉट एचटीएमएल। तो मेक श्योर आपकी फाइल का स्टैंड होगी। ठीक है, माइक सॉरी सर, वॉइस क्रैक हो रही है आपकी। वो एक्चुअली मेरा वो ब्लूटूथ हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया था जस्ट 1-2 सेकंड के लिए। नाउ इट्स कनेक्टेड बैक। ठीक है ना, ठीक है। तो वी हैव बिल्ड अ फाइल जिसका 9th name.html, और उसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है। सो ऑन माय डेस्कटॉप आई कैन सी अ फाइल। ठीक है, और नॉर्मली अगर आप लोग विंडोज यूज कर रहे हो तो आपको ये जो फाइल है ये ब्राउजर के आइकन पे मिलेगी, लाइक क्रोम या फिर फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है ये उसी के आइकन में दिखेगी। मैक में ये लाइव प्रीव्यू आ रहा है, मैंने ऑप्शन इनेबल कर रखा है, तो आई डबल क्लिक दिस फाइल, तो ये मेरे डिफॉल्ट ब्राउजर, लाइक मैंने क्रोम सेट कर रखा है, तो ये क्रोम ही ओपन हो जाएगी। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट एचटीएमएल, तो ये वेबसाइट लाइव चल रही है। सो आई विल ओपन माय ट्यूटोरियल या फिर ब्लॉग जिसे हम कहते हैं, एंड वी स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल। तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए द फर्स्ट लैंग्वेज व्हिच इज रिक्वायर्ड इज एचटीएमएल। ऑल द वेबसाइट बनती है तीन चीजों से, एचटीएमएल से, सीएसएस से एंड जावास्क्रिप्ट से। एंड द फर्स्ट वन जो सबसे बेसिक्स है, जिसके बिना एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, दैट इज एचटीएमएल। सो एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब कंप्यूटिंग में जब हम कंप्यूटर्स की बात करें तो एचटीएमएल इज अ टाइप ऑफ अ काइंड ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। जैसे जावास्क्रिप्ट जो है वो एक कंप्यूटर्स में, कंप्यूटिंग के टर्म में इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावा जो है इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, दे ऑल आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन एचटीएमएल एंड सीएसएस जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं आती। ठीक है, ये आती है मार्कअप लैंग्वेजेस पे। एचटीएमएल मार्कअप है, लेकिन सीएसएस जो आती है दैट इज अ कैस्केडिंग स्टाइल। ठीक, तो एक्चुअली मार्कअप लैंग्वेज हम किसको बोलते हैं? सो व्हाट आर मार्कअप लैंग्वेजेस? बेसिकली वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस जिनका स्ट्रक्चर मार्कअप टैग्स के फॉर्म में होता है। तो मार्कअप टैग्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी टैग लेस टेक्स्ट देन के बाद ही स्टार्ट होगा, होती सॉरी है, जो टेक्स्ट की हुई होती है उसे मार्कअप लैंग्वेज बोलेंगे सर। सॉरी जो टेक्स्ट की हुई होती है मतलब लिखी हुई होती है, टेक्स्ट नहीं, टैग के सॉरी, अंदर होता है, हाँ लेस देन टैग्स और के बेसिस ग्रेटर में देन। जिसका स्ट्रक्चर होता है। हाँ, इफ यू आर सेइंग टैग्स देन इट्स ओके। ठीक है, वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया आपकी बात। ओके, तो बेसिकली मार्कअप लैंग्वेजेस जो होती है वो टैग्स के फॉर्म में होते हैं। इन कंप्यूटर दीज आर टैग्स। तो टैग्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग के फॉर्मेट में जो लैंग्वेजेस होती है, जैसे ये H1 का ओपनिंग टैग है और जो थर्ड है लाइन नंबर, ये H1 का क्लोजिंग टैग है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग में डिफरेंस दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर, जब क्लोजिंग होती है तो एक बैक स्लैश के साथ होती है, ठीक है, और ओपनिंग में बैक स्लैश नहीं आता। तो इस टाइप से हमें टैग्स बना के जो कोड लिखा जाता है दैट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। तो और कौन कौन सी लैंग्वेजेस है जो HTML जैसी हुई मार्कअप लैंग्वेजेस हैं? जैसे अ वेरी क्लोज एग्जाम्पल इज XML। तो HTML की ही जैसी एक दूसरी ही मार्कअप लैंग्वेज होती है XML, HTML। ठीक है, बट मेनली जो वेब पॉपुलर है वो वेब में HTML ही है। XML का काम डेटा को ट्रांसफर करने के लिए होता है, और HTML नॉर्मली वेब में बहुत कम या बहुत रेयर यूज होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी सर जो वॉइस लैंग्वेजेस बहुत हैं, ज्यादा क्रैक हो रही है। सॉरी हेलो,
बस बहुत ज्यादा क्रैक हो गया। आपका नाम क्या है? आपका नाम भी नहीं आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। सर अरुण नाम है। अरुण, यू शुड राइट योर नेम इन द मीटिंग। ठीक है, मैं अभी सर करता हूँ थोड़ा। नहीं, मैंने रिनेम कर दिया है। ओके, लेट मी चेक विद द इंटरनेट स्पीड कि मेरा कुछ ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्लो तो नहीं है। एंड नो, आई डोंट थिंक सो कि मेरे इंटरनेट में कुछ इशू आ रहा है। किसी और को भी मेरी वॉइस में इशू आ रहा है? नो सर, आवाज सही आ रही है। नो सर, ओके, माइट बी अरुण, नहीं आपके एंड पे इंटरनेट होगा, आपका इशू होगा। और अगर आपको लगता है कि जैसे आपके एंड पे इंटरनेट इशू आ रहा है, तो एक काम आप और कर सकते हो, आप अपना माइक म्यूट कर दो। क्योंकि जब आप अपना माइक म्यूट करोगे तो जो आपका इंटरनेट है वो अपलोडिंग नहीं करेगा, क्योंकि जो आपकी वॉइस है वो अपलोड नहीं होगी ना। तो अगर आपकी वॉइस अपलोड नहीं होगी तो जो मेरी वॉइस है वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो उससे भी आपको जो स्क्रीन, क्योंकि आपकी स्क्रीन भी मेरी, आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो, मतलब आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो कास्ट हो रहा है, तो अगर आप उसके साथ ऑडियो भी कास्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपका इंटरनेट जो है वो ज्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम करेगा। ठीक है, ठीक है। सो HTML इज अ टाइप ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, और मार्कअप लैंग्वेजेस हमेशा मार्कअप टैग्स के फॉर्म में लिखी जाती है। जैसे कि ये H1 एक मार्कअप टैग में लिखा गया है। सो HTML के पास टैग्स होते हैं जिनको हम मार्कअप टैग्स कहते हैं। लाइक ये H1 टैग है, तो पहले H1 की ओपनिंग और बाद में H1 की क्लोजिंग, और ये है H1 का टेक्स्ट। तो मार्कअप लैंग्वेजेस में टैग्स के अलावा होते हैं एट्रीब्यूट, जैसे इस H1 की क्लास नेम है ABC समथिंग, कुछ भी। तो टैग और एट्रीब्यूट, ये स्ट्रक्चर होता है मार्कअप लैंग्वेजेस का। सो HTML इज अ टाइप ऑफ, इट्स अ काइंड ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। और भी मार्कअप लैंग्वेजेस है हमारे पास, जैसे कि HTML के अलावा XML आती है और SGML भी आती है। तो आपके कोर्सेज में HTML इंक्लूडेड है और SVG भी है, क्योंकि HTML5 में यूज होती है। ठीक है, तो हम लोग HTML और SVG करेंगे। XHTML को अब हम लोग कवर अप नहीं कर रहे, क्योंकि XHTML जो है ये एक्चुअल में HTML5 से पुराना वर्जन था। ठीक है, तो ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है इस पर, आप चाहो तो कभी इसको फ्री टाइम पे पढ़ सकते हो, बट ये अब रिक्वायर्ड नहीं है, ये पुराना वर्जन है HTML का। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज टू लर्न HTML। तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बेसिकली इट्स अ मार्कअप टाइप ऑफ लैंग्वेज जिसको मार्कअप टैग्स में लिखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? टैग्स का। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमने लिखा, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इस टाइप के फॉर्मेट में ये मार्कअप लैंग्वेजेस होती है। तो मार्कअप लैंग्वेजेस इसी फॉर्मेट में लिखी जाती है, और ये किसी भी टैग की इस टाइप से ओपनिंग होती है। ठीक है, क्लोजिंग के लिए हमारे पास इसी को बैकस्लैश के साथ क्लोज करना पड़ेगा। तो दिस इज HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML कहाँ कहाँ यूज होती है? जैसे एक तो वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है, इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशन इसकी? कोई और एप्लीकेशन? जैसे जावा से हम डेस्कटॉप ऐप, मोबाइल ऐप, एंड्रॉइड ऐप बना सकते हैं, और तो वैसे ही HTML से वेबसाइट के अलावा और क्या क्या बन सकते हैं? सर जहाँ पे रिसर्च होता है सर, वहाँ पे रिसर्च में किस पर्पस के लिए? डेटा को स्टोर करने के लिए। डेटा को स्टोर, जैसे कि लाइक सर कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसको सर ये इसके फॉर्मेट में सर ये नहीं, वो तो HTML तो वेब के लिए ना, क्योंकि जहाँ जहाँ डिजाइनिंग होती है वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ डिजाइनिंग होती है वहाँ वहाँ HTML का यूज होता है। डिजाइनिंग किस चीज की डिजाइनिंग? क्योंकि डिजाइनिंग तो यूजर इंटरफेस की डिजाइनिंग है। हाँ, यूजर इंटरफेस के लिए। यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस ऑफ व्हाट? यूजर इंटरफेस वेबसाइट का भी होता है, ऐप का भी होता है, तो क्या ये ऐप में भी होती है? हाँ सर, ऐप में हो सकता है, वेब ऐप में, बट ये सिर्फ हाइब्रिड ऐप में होती है। अब सपोज मुझे मैकबुक की एप्लीकेशन बनानी है, जैसे मेरे मैकबुक में प्ले स्टोर है, सफारी है, मेल ऐप है या कॉन्टैक्ट है, मुझे ऐसी ही कोई इंस्टॉलेबल ऐप बनानी है मैकबुक के लिए, जैसे क्रोम है या VS कोड है, तो क्या उसके लिए भी HTML यूज होता है? तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि HTML वहां पे यूज होता है, तो ये जरूरी नहीं कि, बट हाँ जैसे एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड का जो यूजर इंटरफेस है वो XML पे होता है, लेकिन जो वेब का यूजर इंटरफेस है वो HTML पे होता है। ठीक है, वेबसाइट के अलावा HTML की जो दूसरी सबसे मेन पॉपुलर एप्लीकेशन है वो है मेल्स। जो आपको मेल्स आती है ना, उनका पूरा जो स्ट्रक्चर या डिजाइन होता है वो भी HTML में बनता है। तो जो मेलिंग, जो आपको मेल शूट आउट्स होते हैं Amazon, Flipkart, किसी भी वेबसाइट की जो मेल आती है ना, वो भी HTML में ही बनती है। एंड नाउ HTML से एप्स भी बनती हैं, लेकिन इसको हम हाइब्रिड टाइप की एप्स कहते हैं, जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड। तो इस पे हम लोग बाद में लेटर ऑन आएंगे, क्योंकि ये HTML से जावा से तीनों से बनती है। सो HTML फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वेबसाइट के अलावा इसका यूज कहाँ कहाँ है? ईमेल्स में और हाइब्रिड एप्स में।
ठीक है, तो मेनली इन तीनों जगह पे अब HTML यूज होता है। तो इन शॉर्ट HTML से हम लोग ऐप का यूजर इंटरफेस बना सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड ऐप का, नॉट नेटिव, ठीक है। तो ये हाइब्रिड ऐप्स होती हैं। सो दिस इज द हिस्ट्री बिहाइंड द इन्वेंशन ऑफ HTML। सो 1989 में टिम्बरली ने HTML के प्रोजेक्ट पे काम किया था। सो दैट टाइम दिस प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट। तो उन्होंने बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए दो चीजों को इन्वेंट किया था। पहला एक वेब ब्राउजर जिसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब था, लेटर ऑन उसका नेम नेक्सस दिया गया था, और उस ब्राउजर के अंदर रन करने के लिए एक लैंग्वेज जिसका नाम था HTML। एंड व्हाई ही इन्वेंट HTML, सो दैट जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अपना रिसर्च वर्क एक इंटरनेट के थ्रू इजिली शेयर कर सकें। तो इंस्टेड की हम लोग बुक्स पब्लिश करें, हम लोग रिसर्च पेपर पब्लिश करें, क्यों ना हम लोग एक ऑनलाइन मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें जिसके थ्रू हम इजिली अपने रिसर्च पेपर को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। सो दैट वॉज द पर्पज फॉर इन्वेंशन ऑफ HTML। तो इन शॉर्ट जो वेबसाइट थी HTML था, वो इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को एक से पर्सन से दूसरे पर्सन तक इजिली ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया था। नीचे फर्स्ट वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है मैंने, जो मैंने आपको कल भी बताई थी। तो दिस इज अ प्योरली HTML बेस्ड वेबसाइट, लेकिन उस समय HTML का कोई वर्जन नहीं था। सर ये W3 से क्या है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारे स्टैंडर्ड्स को अब मैनेज करता है। तो एक्चुअल में उस समय ये बनाया गया था सर्न में, लेकिन सर्न एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, अगर आपने उसका नाम सुना होगा LHC का, अगर जितने भी लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनके लिए मतलब ये वो कहा जाता है सबसे बड़ा दुनिया की लैब, रिसर्च लैब है। तो सर्न दुनिया की सबसे बड़ी लैब है जहाँ पे LHC चल रहा है, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, ठीक है, एक पार्टिकल एक्सेलेटर, 15 किलोमीटर की टनल है जिसके अंदर ये पूरा रिसर्च वर्क चल रहा है। तो सर्न, और ये जनेवा में है जर्मनी में, तो सर्न की ही लैब में टिम्बरली जो साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट, उन्होंने ये चीज इन्वेंट की थी। बट ऑब्वियसली क्योंकि वो रिसर्च वर्क से रिलेटेड थे तो वो इस चीज को मैनेज नहीं कर सकते थे उस समय, तो इसको मैनेज करने के एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम, जिसको हम लोग WWW बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बना 1994 में, और टिम्बरली ही इसके CEO बन गए क्योंकि उन्होंने ही HTML और वर्ल्ड वाइड वेब को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। सो राइट नाउ जैसे करंटली वर्ल्ड वाइड वेब की टोटल वेबसाइट्स हैं कितनी, 1.8 बिलियन वेबसाइट्स हैं। दिस इज द फर्स्ट सर्च इंजन आर्क की, और सबसे पहली जो इमेज थी वेबसाइट पे वो 1992 में आई थी, और चाइना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरनेट सर्फिंग में है, टॉप पे है, इंडिया इज ऑन द सेकेंड पोजिशन। ओके, टॉकिंग अबाउट द वर्जन, इस समय HTML का लेटेस्ट वर्जन 5 आ चुका है, और हमें जो कोड करना है ये 5 के अकॉर्डिंग करना है। जब हम लोग कोड ऐसे लिखेंगे, क्या ये HTML, इसको हम HTML कहें या HTML 5 कहेंगे, जो मैंने अभी करंटली कोड लिखा है? HTML. बेसिक HTML कोड विदाउट एनी वर्जन, तो ये एक HTML कोड है बिना किसी वर्जन के, लेकिन एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड कोड नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड कोड में बहुत सारे टैग्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, तो एक मिनिमम कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ एक काम और करते हैं, हम लोग अपने क्रोम के कोड को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे। तो ठीक है, आप सभी लोग जो भी ब्राउजर यूज करोगे उसमें राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट आता है, इंस्पेक्ट से आप अपने कोड को इंस्पेक्ट करते हो। तो इंस्पेक्ट करने पे इंस्पेक्ट एलिमेंट आया, और यहाँ पे आपको H1 दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये H1 किसके अंदर है? तुम्हारा H1 टैग कहाँ आ रहा है? बॉडी में। बॉडी किसमें? बॉडी टैग। और बॉडी आ रहा है HTML के अंदर, HTML, ठीक है। तो एक्चुअल में जब हम लोग हेड, बॉडी या HTML नहीं बनाते, ब्राउजर उसको ऑटोमेटिकली हमारे लिए बना देता है। तो एक मिनिमम जो बेसिक कोड जो ब्राउजर को चाहिए, मैं यहाँ HTML 5 की बात नहीं करेगा, नहीं कर रहा, जो ब्राउजर को मिनिमम कोड चाहिए वो ये होता है। सबसे पहले पेरेंट यानी कि रूट टैग आता है HTML, इसके अंदर पहला टैग होता है हेड, इसका फर्स्ट चाइल्ड, और दूसरा चाइल्ड कौन होता है? बॉडी, ठीक है। फिर जो हमारा कोड है H1, वो सब कहाँ आएगा? बॉडी के अंदर। तो ये वो मिनिमम कोड है जो एक ब्राउजर को चाहिए, जैसे कि क्रोम या फिर सफारी या फिर फायरफॉक्स को। सी, अब ये कोड और जो हमने कोड लिखा है बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये वो कोड है जो हमारा सोर्स कोड जो हमने लिखा, और ये इंस्पेक्ट में जिसे हम डॉम कहते हैं उसमें ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन क्या ये भी HTML 5 है जो हमने अब कोड किया है? नो सर, नो, ये भी HTML 5 नहीं है, ये भी HTML ही है, लेकिन HTML 5 नहीं है। HTML 5 बनाने के लिए सबसे पहले लाइन में आता है डॉक टाइप, तो लेस देन एक्सक्लेमेशन के साथ
डॉक टाइप आता है, ठीक है। ये डॉक टाइप बताता है कि हमारा एचटीएमएल का वर्जन कौन सा है। नाउ जो एचटीएमएल 5 डॉक टाइप है वो बिना वर्जन के है, तो ये जो डॉक टाइप हम लिखते हैं ना ओनली डॉक टाइप एचटीएमएल, ये एक्चुअल में एचटीएमएल 5 का डॉक टाइप है, ठीक है। तो ये डॉक टाइप कौन से वर्जन का है, एचटीएमएल 5 का। लेकिन इसके साथ एक गुड, देयर इज अ गुड थिंग, इसमें वर्जन नंबर नहीं लिखा हुआ कि ये 5 है या 4 है या 5.1 है या 5.2 है। सो दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि अगर एचटीएमएल कल को अपडेट होता है, जैसे 5 के बाद 5.2 के अपडेट्स आ चुके हैं, फिर आगे फ्यूचर में 5.3, 5.4 या फिर फ्यूचर में एचटीएमएल 6 आएगा, हमें अपने डॉक टाइप को चेंज नहीं करना पड़ेगा। यही डॉक टाइप आपका 10 साल पहले था, यही डॉक टाइप हमारा आज है, और यही डॉक टाइप हमारा अब फ्यूचर में भी रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा लास्ट डॉक टाइप है और ये एचटीएमएल 5 का ही डॉक टाइप है, क्लियर। तो दिस इज द डॉक टाइप। लेकिन डॉक टाइप टैग में आता है या नहीं, इज इट अ टैग? नो सर, नो, डॉक टाइप एक्चुअल में टैग नहीं है, ये डॉक टाइप टैग नहीं है, लेकिन सबसे पहले यही आता है। तो ये ब्राउजर को क्या बताता है कि एचटीएमएल का वर्जन कौन सा है। तो जब भी आपको ये डॉक टाइप दिखेगा, सो दैट मींस ये वेबसाइट कौन से वर्जन पे है, एचटीएमएल 5। लेकिन जो एचटीएमएल के प्रीवियस वर्जन थे, जैसे कि ये रहा पुराने डॉक टाइप्स, इन पे ओपन करता हूं मैं, तो इनके डॉक टाइप आपको अलग दिखेंगे। सी, ये डॉक टाइप है 5 का, ये डॉक टाइप है XHTML के 4th वर्जन का, तो ये HTML 4 था और HTML 4 का स्ट्रिक्ट मोड था। ये डॉक टाइप है HTML 4 के ट्रांजिशन वर्जन का, और इसके बाद XHTML आया था, तो ये डॉक टाइप है XHTML का, ठीक है। तो सभी में जो डॉक टाइप है आप देखो कितना लेंथी है, दो दो लाइंस का है, सिर्फ सबसे शॉर्ट डॉक टाइप किसका है, छोटा डॉक्टर है 5 का। तो 5 का डॉक्टर कोई भी फालतू चीज नहीं है, ओनली डॉक टाइप के बाद एचटीएमएल लिखा है, नो वर्जन, नो लैंग्वेज, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो दिस इज द इजीएस्ट वे, और ये सबसे आसान डॉक टाइप भी है जिसको याद करना बहुत सिंपल है। तो दिस इज लास्ट डॉक टाइप जो एचटीएमएल ने बनाया, और ये एचटीएमएल 5 का ही है, ओके सर। जिसके अंदर सर एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये टैग नहीं है ना, सेपरेट करने के लिए, क्योंकि अगर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाया तो ये भी तो टैग माना जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब कमेंट हो गया? नहीं, ये कमेंट नहीं है, इवन कमेंट में टैग्स नहीं होते। डॉक टाइप और कमेंट, ये दोनों एचटीएमएल में टैग्स नहीं है, क्लियर। तो एक्सक्लेमेशन मार्क से ये सेपरेट हो जाता है ना, कि ये टैग नहीं है सर। यस अरुण सर, इसके अंदर लैंग्वेज वगैरह का कोई डिस्क्राइब नहीं करेंगे? नहीं करने वाले हैं, बट पहले हम लोग सिर्फ डॉक टाइप को डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो डॉक टाइप में लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये डॉक टाइप कौन सा है, दिस इज एचटीएमएल 5 डॉक टाइप, और ये टैग नहीं है। लैंग्वेज होगी एट्रीब्यूट में, कहां, एचटीएमएल में। तो देयर वी नीड टू पुट द लैंग, और हमारी लैंग्वेज कौन सी है, ईएन, यानी कि इंग्लिश। तो लैंग्वेज कहां लिखी जाती है, एचटीएमएल में। डॉक टाइप में लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ओके। तो लैंग्वेज लिखना, डीटीडी लिखना, ये सारा का सारा एचटीएमएल 5 और वर्जन लिखना, ये सब एचटीएमएल के डॉक टाइप से हट गया, ये सारी चीजें अब बाहर हैं। तो ओनली डॉक टाइप एचटीएमएल लिखना पड़ेगा, दिस इज कंपलसरी। और लैंग्वेज कहां आ जाएगी, एचटीएमएल के ओपनिंग में। तो लैंग इक्वल टू ईएन को हम क्या बोलेंगे, ये एचटीएमएल का एट्रीब्यूट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट हमेशा कहां आते हैं, ओपनिंग टैग में। एट्रीब्यूट हमेशा कहां आते हैं, ओपनिंग टैग में, कभी भी क्लोजिंग टैग में एट्रीब्यूट नहीं आते। तो पेरेंट टैग हमारा कौन सा, यहाँ पे मतलब इस वेबसाइट का पहला टैग कौन सा है, इस पेज का, HTML। डॉक टाइप तो टैग ही नहीं है, डॉक टाइप टैग नहीं होता। तो फर्स्ट टैग इज HTML, इसके दो चिल्ड्रन हैं, पहला है हेड एंड सेकंड इज बॉडी। अब यहाँ से इसका जो पोर्शन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है हेड पार्ट और एक है बॉडी पार्ट। कोड को कैटेगराइज किया गया, डिवाइड किया गया दो पोर्शन में, एक ये वो कोड है जो यूजर को दिखाई नहीं देगा, और एक वो कोड है जो यूजर को दिखाई देगा। जैसे हेडिंग हमें दिखाई देती है, ठीक है, पैराग्राफ ये भी हमें दिखाई देगा। तो हेडिंग और पैराग्राफ जो हमें डिस्प्ले होते हैं, दिखाई देते हैं, ये सब कहाँ आते हैं, बॉडी में। तो बॉडी वो कोड होगा जो हमें दिखाई देगा, ठीक। तो हमें हेडिंग भी दिखाई देगी, एनपी यानी कि पैराग्राफ भी दिखाई देगा। जो कोड हमें देखना है पेज पे, वो आएगा बॉडी में। और जो कोड वेबसाइट पे जरूरी है, कंपलसरी है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, वो सब कहाँ आएगा,
ठीक है, लाइक आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, तो ये कोर्स क्या कर रहा है, ये क्या आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस कर रहा है, मतलब आपकी मसल्स बिल्डअप करेगा, आपको कोई फिजिकल चेंज देगा, या ये आपके माइंड को बिल्डअप कर रहा है? आप जो स्किल सीख रहे हो, बट ये स्किल्स आप यूज कैसे करोगे? आपको कोडिंग करनी है, आपको टाइप करना पड़ेगा, वो टाइपिंग कौन करेगा? वो तो आपकी बॉडी करेगी ना, आपको आंखों से देखना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको कोड हाथ से टाइप करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें बॉडी, मतलब कोड लिखने का काम तो आपका बॉडी करेगा, ठीक है। एक दिन अगर आपको इंटरव्यू में भी कोई कोड पूछे कि अच्छा ये बताओ ये कौन सा टैग है, ये कैसा है, तो आप रिस्पॉन्स तो अपने बॉडी से करोगे ना, आपको बोल के बताना पड़ेगा, लेकिन वो आउटपुट आएगा कहाँ से? आपके हेड से, यानी कि ब्रेन से। तो हेड वेबसाइट का वो कोड है जो सामने दिखाई नहीं देगा लेकिन जरूरी है। सो हेड इज लाइक अ ब्रेन, तो वेबसाइट का वो कोड जो यूजर को दिखाई नहीं देता लेकिन कंपल्सरी है, वो सब कहाँ आएगा? हेड में। और जो यूजर को डिस्प्ले होगा दिखाई देगा वो कहाँ आएगा? बॉडी में। हेड के अंदर दो टैग कंपलसरी होते हैं, कौन कौन से हैं? हेड में सबसे पहला टैग कौन सा आता है जो कंपलसरी है? टाइटल। तो टाइटल क्या होता है? आपके पेज का टाइटल। जैसे मैंने आज का टाइटल क्या दिया, लेट्स से हेलो एचटीएमएल, तो ये मेरे पेज का टाइटल है। और टाइटल कहाँ डिस्प्ले होता है? ये आपके ब्राउजर के बिल्कुल टॉप में, यहाँ पे टैब पे दिखाई देता है, ठीक है। तो टाइटल देखो ना, जहां मेरा कर्सर है वहां पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये स्पेस का क्या है? टाइटल। टाइटल तो ये आपकी वेबसाइट का टाइटल है, तो टाइटल यहां पे आ रहा है। जैसे इस पेज का टाइटल क्या है? डॉग टाइप। यस सर, हम एचटीएमएल में हेड अगर टाइप नहीं करेंगे, हेड टैग को नहीं लगाएंगे, तो फिर क्या होगा? अगर हम एचटीएमएल में हेड टैग को नहीं लगाते तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैलिडेशन एरर है, ये वैलिडेशन एरर है। अब ये वैलिडेशन क्या होती है, ये हम लोग अभी जब ये कोड कंप्लीट करेंगे तो आज की ही क्लास में करेंगे। तो वैलिडेशन का मतलब क्या हमने सही से कोड कर रखा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए एक अथॉरिटी है, वो भी W3C ने ही बनाई है। तो आपने जो HTML लिखा, क्या वो स्टैंडर्ड है, सही कोड है, उसको टेस्ट करने के लिए भी एक टूल होता है। जैसे मेरे एडिटर में नीचे आपको देखो W3C वैलिडेशन का लिंक दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ये इस फाइल को वैलिडेट करेगा और ये क्लियरली बोलेगा कि ये फाइल वैलिड नहीं है, ये गलत है, तो एरर आएगा, नहीं नहीं ये इसको गलत बोल रहा है, ये वैलिड बोल रहा है, जबकि ये वैलिड है नहीं, ठीक है, ये फाइल वैलिड नहीं है, बट ये एक्सटेंशन गलत काम कर रहा है। तो देयर इज अ वेबसाइट www.w3.org जहाँ पे हम अपने फाइल को अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए मैंने डेस्कटॉप चूज किया, और हमारी फाइल का नाम क्या था, वन सेक, 9th Jan, तो फाइल का नाम था 9th January। मैंने इसको अपलोड किया और चेक किया, सी ये वेबसाइट एरर बताएगी, और एरर देखो क्या आ रहा है, द करेक्टर एनकोडिंग वाज नॉट डिक्लेयर। तो एक एरर है मेरी इस वेबसाइट में। तो ब्राउजर का काम आपके कोड को डिस्प्ले यानी कि दिखाना है। क्या ब्राउजर एरर दे रहा है आपको कोई? नहीं। इवन आप इंस्पेक्ट ओपन कर लो, ब्राउजर आपको कभी भी एरर नहीं देता, क्योंकि ब्राउजर का काम सिर्फ कोड को डिस्प्ले यानी कि दिखाना होता है, ठीक है। तो एक और टैग है जो कंपल्सरी होता है हेड पे, वो कौन सा है? मेटा। कैप्सर। और ये अनपेयर टैग है, अनपेयर टैग किसको बोलते हैं एचटीएमएल में? अनपेयर ब्लू टैग नहीं होगा, ओपनिंग ऐसे एंडिंग नहीं, उसको क्लोज नहीं करना पड़ता, जैसे कि मेटा टैग। लेकिन इसमें एट्रीब्यूट है कैप्सर, और कैप्सर को वैल्यू देते हैं UTF-8। ये देने से हमारा HTML5 कंप्लीट हो गया है, मतलब हमारा जो कोड है वो स्टैंडर्ड कोड है। अब आप इसको रन करोगे तो दिखेगा तो सेम, लेकिन वैलिडेट करोगे तो आपको कोई एरर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड HTML5 कोड है। ठीक, नीचे क्या दिखाई दे रहा है? नो HTML एरर। तो टाइटल तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ना, पेज के टॉप पे यहाँ पे आता है, लेकिन ये मेटा कैरसेट क्या है जो जरूरी है, क्योंकि इसके बिना भी एरर आ रहा था पेज पे। तो ये मेटा कैरसेट क्या होता है? UTF-8 जो हमने दिया हुआ है, व्हाट इज दिस, क्या होता है? एनी आईडिया? मेटा कैरसेट, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एनीवन, किसी को कोई आइडिया है क्या होता है ये? नो सर। चलिए आई विल एक्सप्लेन। ओके, हम लोग वेबसाइट बनाते हैं करेक्टर्स के साथ, हम लोग अल्फाबेट यूज करते हैं, नंबर यूज करते हैं, और इसके अलावा हम लोग स्पेशल करेक्टर भी यूज करते हैं।
कंप्यूटर्स में जब हम लोग ऐसे रैंडमली कुछ भी करेक्टर यूज करते हैं तो कंप्यूटर उनको कोड करने के लिए एक एनकोडिंग का यूज करता है, ठीक है? तो डिस्प्ले कर्सर लाइनिंग है, डिस्प्ले कर्सर। आशीष आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। डिस्प्ले कर्सर मे बी सर एन इक्वली पार्ट में से डिवाइड करता है। आशीष आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, मतलब आपका नेट आई थिंक। हेलो, यस सर। हाँ, आपकी वॉइस बिल्कुल भी समझ नहीं आई किसी को भी। ओके, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन। बेसिकली जैसे आपने अपना कोड लिखा है वीएस कोड में, तो वीएस कोड में सारे करेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं ना। वीएस कोड का भी अपना एडिटर देखो एक्सटेंशन कौन सा है, ये देखो नीचे लिखा आ रहा है। तो वीएस कोड का भी एक्सटेंशन एंड कोडिंग कौन सी आ रही है, ये देख रहे हो जहाँ मेरा कर्सर है, दिस इज UTF-8। तो वीएस कोड UTF-8 पे ही चलता है। एक्चुअल में ये यूनिवर्सल टाइप फॉन्ट फेस 8 है, ये एनकोडिंग होता है जो कि जितने भी स्काई करेक्टर्स होते हैं, स्काई कोड करेक्टर्स, सभी को सपोर्ट देता है। तो अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे तो एक्चुअल में जो एनकोड है वो आपके ब्राउजर का चलेगा। तो अगर कोई यूजर, जैसे सपोज हमने वेबसाइट पे मेटा कैसेट नहीं दिया हुआ, तो ये वेबसाइट प्रॉब्लम कर सकती है लेकिन सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर पे, क्योंकि उसका एनकोड UTF-8 नहीं है, ठीक है? तो व्हाट इज UTF? UTF-8 एनकोड होता है। तो हमने कौन सा एनकोड यूज करना है जो कि वर्ल्ड के सारे ब्राउजर पे चल जाए, ठीक है? तो करेक्टर मतलब बेसिकली आप ये मान लो ये करेक्टर्स की कॉम्बिनेशन है। हमें अपनी वेबसाइट पे कौन कौन से करेक्टर की सपोर्ट चाहिए, अल्फाबेट्स या नंबर्स या दोनों? हमें हिंदी के करेक्टर, उर्दू के करेक्टर, अरबी के करेक्टर और बंगाली, गुजराती, इन सारे करेक्टर्स की सपोर्ट चाहिए ना। तो इनकी जो फैमिली है जिसमें ये सारे करेक्टर सपोर्ट करते हैं, वो फैमिली का नाम UTF-8 है। इसमें इंडियन रुपी का करेक्टर भी है, और जितने भी नई एमओजीज आ रही है आजकल, स्माइलीज वगैरह, एमओजीज वगैरह, वो सब भी किसमें आती है, UTF-8 में आती है। तो इसलिए हम UTF-8 का यूज करते हैं। अगर मैं UTF-8 यूज नहीं करूंगा तो मेरी वेबसाइट कुछ ब्राउजर पे लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर पे दिक्कत कर सकती है। जैसे कि एक स्पेशल करेक्टर मैं हिंदी में लिखता हूँ गूगल ट्रांसलेट के थ्रू। हिंदी को टाइप करने के लिए कौन सी करेक्टर्स यूज होते हैं जो हम हिंदी किस लैंग्वेज में लिखते हैं? जैसे इंग्लिश को अल्फाबेट्स के थ्रू लिखते हैं, तो हिंदी को कैसे लिखते हैं? देवनागरी, ठीक है? तो हिंदी को टाइप करने के लिए क्या होती है, देवनागरी। तो इंग्लिश को लिखते हैं अल्फाबेट्स में और हिंदी को लिखते हैं देवनागरी पे, तो दिस इज देवनागरी। क्या UTF-8 देवनागरी सपोर्ट कर रहा है? यस, तो UTF-8 देवनागरी। तो इन शॉर्ट हमारी वेबसाइट हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी सपोर्ट करेगी ना, क्योंकि देवनागरी में ही संस्कृत होती है। लेकिन अगर एनकोड कुछ अलग हो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 1252, अब देखना क्या प्रॉब्लम होगी। तो अल्फाबेट्स चल रहे हैं, नंबर्स चल रहे हैं, ये भी अल्फाबेट नंबर चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ कौन से कैरेक्टर सपोर्ट नहीं हुए, देवनागरी, मतलब स्पेशल टाइप, ठीक है? तो UTF-8 का फायदा क्या है, ये सिर्फ बेसिक कीबोर्ड कैरेक्टर्स को ही सपोर्ट नहीं करता, ये सारे यूनिकोड कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। UTF-8 देने से आपकी वेबसाइट सिर्फ क्रोम, सफारी और फायरफॉक्स के अलावा जितने भी पुराने या फिर नए ब्राउजर्स हैं, और ऐसे ऐसे ब्राउजर जिनका नाम भी शायद आपने कभी ना सुना हो, ये उन पे भी सपोर्ट कर लेगा, ठीक है? तो इसलिए वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी एनकोडिंग यूज करनी चाहिए, तो वेबसाइट बनाने के लिए वी हैव टू यूज UTF-8 एनकोडिंग, क्योंकि UTF-8 एनकोडिंग वर्ल्ड के मैक्सिमम करेक्टर, जितने भी यूनिकोड करेक्टर होते हैं, उन सभी को सपोर्ट करता है, ठीक है? और UTF-8 जितने भी ASCII करेक्टर्स होते हैं ना, उनको भी सपोर्ट करता है। तो ASCII में बेसिकली बहुत सारे लाख प्लस करेक्टर्स होते हैं, तो अल्फाबेट्स हो गया, नंबर हो गया, हिंदी के करेक्टर, देवनागरी हो गया, उर्दू के करेक्टर, ये सारे करेक्टर जो इस कॉमन ग्रुप में आते हैं उसको ASCII कोड कहते हैं। UTF-8 सारे ASCII कोड को सपोर्ट करता है, ठीक है? तो UTF-8 देने से हमारी वेबसाइट के मैक्सिमम करेक्टर सपोर्ट कर जाएंगे। तो अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट हो, तो कौन सा एनकोड यूज करना चाहिए? UTF-8.
तो कोई एक वेबसाइट बताओ मुझे जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, मतलब एक ही पेज में बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी जिसमें डायनेमिक कंटेंट है, लाइक फेसबुक, ठीक है? फेसबुक इज अ वेबसाइट ना जहाँ पे किसी भी लैंग्वेज का कंटेंट हो सकता है, ठीक है? तो फेसबुक का अगर हम सोर्स कोड देखें, तो फेसबुक का सोर्स कोड में आप चेक कर सकते हो इसका एनकोड कौन सा है. सी, मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, तो फेसबुक का भी एनकोड कौन सा कैसेट है? इससे फेसबुक में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरेबिक, जितनी भी मल्टीपल अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, इन सभी की सपोर्ट है, ठीक है? फेसबुक में इन सारी लैंग्वेजेस की क्या है, सपोर्ट होती है, ठीक है? तो फेसबुक एक्चुअल में इन सारी की सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर लेगा, क्योंकि फेसबुक का एनकोड ही UTF-8 है, ठीक है? अब इसमें हिंदी पे क्या कहते हैं सर? करेक्टर एनकोड, करेक्टर एनकोड. अब आप इसमें इंडियन लैंग्वेजेस देखो, तो ये देखो UTF-8 में कौन कौन से लैंग्वेजेस का सपोर्ट आ रही है. हिंदी है, पंजाबी है जिसको गुरमुखी कहते हैं, और ये शायद तमिल है, और उर्दू भी आ रही है, ये रही उर्दू, मराठी भी आ रही है, कन्नड़ा भी है, और मलयालम भी है, तेलुगु भी है, बंगाली भी है, गुजराती भी है. तो ये मैक्सिमम लैंग्वेजेस सारी के सारी किस एनकोडिंग में सपोर्ट करती है? UTF-8. तो UTF-8 करने से सबसे पहले आप टेंशन फ्री हो जाओगे कि आपकी वेबसाइट में कोई किसी भी लैंग्वेज में कंटेंट लिखेगा वो सपोर्ट कर लेगा, ठीक है? इसलिए वर्ल्ड की मैक्सिमम वेबसाइट कौन सी एनकोडिंग में बनती है? UTF-8 के साथ. क्लियर हुआ UTF-8 क्यों यूज करना है? यस सर, ठीक है. तो अगर मैं H1 और P को रिमूव कर दूं फ्रॉम दिस कोड, तो ये जो बेसिक 9 लाइन की कोडिंग है ना हमारी, ये कंपलसरी कोडिंग है. आपको ये पूरा का पूरा कोड याद कर लेना है, ठीक है? ये जो 9 लाइन का कोड है, दिस इज अ कंपलसरी कोड. कोई भी वेब पेज बनाओगे, आपको ये पूरा का पूरा कोड हमेशा लिखना ही लिखना है. तो दिस इज द बेसिक 9 लाइन ऑफ कोड, और इस टाइप के कोड को हम लोग कहते हैं HTML5 बॉयलरप्लेट. मतलब जब भी HTML5 का पेज बनेगा, आपको ये पूरा कोड कम से कम लिखना पड़ेगा. यहाँ डिफरेंसेस क्या आएंगे, अगर कोई दूसरा पेज है तो उसका टाइटल चेंज कर सकते हो, और अगर वेबसाइट इंग्लिश में या स्पेनिश में है तो EN की जगह ES लिख दो. तो ES मतलब वेबसाइट स्पेनिश में है, HI मतलब वेबसाइट हिंदी में है, ठीक है? UR मतलब वेबसाइट उर्दू में है. लेकिन अगर वेबसाइट उर्दू में होती है ना, तो एक चीज और चेंज होती है, दैट इज DIR. प्लीज म्यूट कर लो सब लोग, डायरेक्शन चेंज, डिस्टर्बेंस आ रही है. हेलो, यस अरुण सर, HI हिंदी करने से वेबसाइट हिंदी में शो कराएगी? नहीं, वेबसाइट हिंदी करने से जो मींस हमने सेट किया कि वेबसाइट की लैंग्वेज हिंदी है. मैं इस पे भी आता हूँ अभी कि हिंदी का मतलब क्या होता है और उर्दू का मतलब बेसिकली क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम DIR पे आते हैं. हिंदी कैसे लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट. लेकिन उर्दू कैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट. लेकिन सी ये कैसे डिस्प्ले कर रहा है, लेफ्ट टू राइट. तो उर्दू के लिए DIR को चेंज करना पड़ता है RTL पे. इससे क्या होता है, उर्दू जो होती है वो हमेशा डिस्प्ले भी कैसी होगी, राइट टू लेफ्ट. तो उर्दू और अरेबी के लिए डायरेक्शन को चेंज करो. लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश है तो DIR देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या है हमारी, LTR. LTR मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट. अब आते हैं लैंग्वेज पे. हमें यहाँ पे EN लिखना जरूरी क्यों है? जब हम लोग EN लिखते हैं तो इसका मतलब कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश, इंग्लिश. लेकिन मैंने यहाँ पे तो अल्फाबेट्स लिखे हैं, और अल्फाबेट्स इंग्लिश के अलावा स्पेनिश में भी हो सकते हैं, ठीक है? और जर्मन में भी, जर्मनी में भी हो सकते हैं. तो जर्मन में भी अल्फाबेट्स होते हैं, स्पेनिश में भी होते हैं, ठीक है? तो वर्ल्ड की बहुत सारी लैंग्वेजेस है ना जो कि अल्फाबेट का यूज करती है. तो अल्फाबेट को सपोर्ट कौन करेगा, UTF-8. लेकिन वो लैंग्वेज कौन सी है वो स्पेसिफाई करना जरूरी है. तो अगर आपने यहाँ लैंग्वेज नहीं दी, जैसे कि आपने यहाँ नहीं लिखा कि ये इंग्लिश है या हिंदी है, जैसे मैंने ES लिख दिया, तो दिस मीन्स ये वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज में है, स्पेनिश में. मैं स्पेनिश में लिखता हूँ स्पेनिश वर्ड, होला अमीगो. अब मैंने वेबसाइट को स्पेनिश में लिखा, आपने एक चीज नोट की, मेरी वेबसाइट जैसे लाइव हुई तो एक चेंज हो गया यहाँ पे. मैंने वेबसाइट स्पेनिश में लिखी है, मैंने टेक्स्ट गूगल ट्रांसलेटर चल रहा है. यस यस,
तो गूगल ट्रांसलेट ने ऑटोमेटिकली स्पेनिश को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया. कैसे? क्योंकि उसको मेरी लैंग्वेज पता थी कि वेबसाइट किस लैंग्वेज में है, स्पेनिश में है, और ये ब्राउजर कौन सी लैंग्वेज में है जो मैं ओपन कर रहा हूँ, जो मेरा ब्राउजर है ये कौन सी लैंग्वेज में है, क्रोम की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है. तो ये इस लैंग्वेज को ब्राउजर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है क्रोम, यानी कि गूगल ट्रांसलेट. इसीलिए मेरी जो वेबसाइट के ब्लॉग्स हैं, ठीक है, तो मेरे ब्लॉग्स हैं इसमें मैंने ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको ओपन करते हैं चाइना के लोग, रशिया के लोग, फ्रांस के लोग, स्पेनिश लोग, क्योंकि ये वेबसाइट उनके ब्राउजर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है. तो ये इंग्लिश में है, लेकिन इंग्लिश किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उन्हीं के ब्राउजर की लैंग्वेज में, ठीक है. इसलिए वेबसाइट पर लैंग्वेज मेंशन करना भी जरूरी है. क्लियर? ओके सर, ओके. ठीक है, सो अगर आपने अल्फाबेट लिखे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो इंग्लिश है, क्या पता वो स्पेनिश हो. जैसे कि ये अल्फाबेट्स है लेकिन ये स्पेनिश क्या, तो लैंग्वेज को मेंशन करना भी जरूरी है. और ईएन करोगे तो सी ये ट्रांसलेटर काम नहीं करेगा यहाँ पे. अब अच्छा वो रिफ्रेश नहीं हुआ अभी, ठीक है. तो दिस इज द मिनिमम और द बेसिक कोड रिक्वायर्ड. अब बात करते हैं बॉडी के अंदर के कंटेंट की. तो ये जो मिनिमम 9 लाइन का कोड है ये हर वेबसाइट पे कंपलसरी होगा आपका, मींस आपको हमेशा इतना कोड लिखना ही लिखना है. ठीक है, क्लियर सर? वन क्वेश्चन. हेलो, या सर ये UTF-8 कब यूज किया जाता है, लाइक मेटा ये सब? बेसिकली जब भी कंप्यूटर का हम कोई भी ऐप या वेबसाइट की ऐप बनाते हैं ना, उसकी एनकोडिंग को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है. और इसके बिना, अभी मैंने आपको लाइव दिखाया था ना, अगर हम UTF-8 यूज नहीं करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर पे क्या होगा, हिंदी के जो करेक्टर्स हैं वो डिस्प्ले नहीं होंगे, दिखाई नहीं देंगे. तो हिंदी, उर्दू, वेबसाइट तो किसी भी वर्ड में हो सकती है ना, वो प्रॉपर डिस्प्ले नहीं होते. तो उनको प्रॉपर डिस्प्ले कराने के लिए हमें करेक्टर एनकोड देना पड़ेगा, विच इज कंपल्सरी. ठीक है, ओके सर. आपको एक ही एनकोड पे वेबसाइट बनानी है, कोई भी वेबसाइट बनाओ, हिंदी की, इंग्लिश की, उर्दू की या अरेबिक की, एनकोड कौन सा यूज होगा? और आपको ये पूरा याद कर लेना है. ठीक है, आगे जाके मैं एक दो क्लास में आपको शॉर्टकट बताऊंगा. ये पूरा का पूरा कोड एक ही लाइन में लिखने के लिए क्या शॉर्टकट है VS कोड पे, लेकिन अभी नहीं. अभी आपको पहली बार क्या करना है, ये पूरा का पूरा कोड याद कर लेना है. और एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएगा. बस इतना ध्यान रखना है, पेज बनाया सबसे पहले क्या लिखना है, डॉक टाइप लिखा आपने. ठीक है, उसके बाद पहला टैग कौन सा होता है, HTML. तो HTML को ओपन क्लोज करना है, उसका पहला चाइल्ड हेड लिखना है और हेड के बाद दूसरा चाइल्ड बॉडी लिखना है. ठीक है, हेड में टाइटल होगा आपका, जैसे आज का टाइटल है HTML टैग्स. ठीक है, और दूसरा टैग कौन सा है कंपलसरी, मेटा. कौन सा मेटा? मेटा, और उसकी वैल्यू UTF-8. UTF-8. बस ये आपका कंपलसरी कोड है जो आपको हमेशा लिखना है किसी भी पेज में. ठीक है, नाउ अब आते हैं कंटेंट की बात. तो ये आपका 9 लाइन का वो कोड है जो कंपलसरी है. तो एज पर W3C ये जो कोडिंग है ये हमारी कंपलसरी है, हमें कम से कम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, यस विकी, कोई डाउट है आपका? यस यस सर. सर लाइक जैसे कि ये जो आपका, मान के चलिए आपका वेबसाइट है, तो आपके वेबसाइट में जैसे चाइनीज लोग, जापानीज लोग, USA के लोग अगर ओपन करते हैं तो उसको किस तरह से, हाँ ये मेरा क्वेश्चन था. तो बेसिकली है क्या, जैसे मेरी वेबसाइट का अगर आप इंस्पेक्ट में सोर्स कोड देखोगे तो ये मेरी वेबसाइट का सोर्स कोड है. ठीक है, इसमें सबसे पहले ऊपर टॉप पे क्या मेंशन कर रखा है, इसकी लैंग्वेज कौन सी है, ईएन. तो ब्रिटेन में, मतलब लंदन में और यूएस के तो लोगों को तो वैसे दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनकी ऑलरेडी लैंग्वेज कौन सी है, उनकी लैंग्वेज तो ऑफिशियली वैसे भी इंग्लिश है. तो वहां पे गूगल ट्रांसलेट की जरूरत नहीं है ट्रांसलेशन करने की. लेकिन स्पेनिश में ये वेबसाइट पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, स्पेनिश में, क्योंकि मेरी वेबसाइट इंग्लिश में. तो क्रोम ब्राउजर क्या करेगा, मेरी इस पूरी लैंग्वेज को, वेबसाइट के लैंग्वेज के कंटेंट को कन्वर्ट कर देगा इनटू स्पेनिश. ठीक है, तो इससे क्या होगा,
अगर एक स्पेनिश पर्सन मेरी वेबसाइट या मेरा ब्लॉग पढ़ना चाहता है और उसको इंग्लिश समझ नहीं आती, तो वो क्रोम ट्रांसलेटर का जो उसके ब्राउजर में होता है, क्रोम में होता है, उसका यूज करके वो इस वेबसाइट को पढ़ सकता है स्पेनिश में कन्वर्ट करके. ठीक है, तो इन शॉर्ट आप एक वेबसाइट बनाओ एक ही लैंग्वेज में, वो गूगल क्रोम ट्रांसलेटर के थ्रू वर्ल्ड वाइड किसी भी ब्राउजर पे या किसी भी लैंग्वेज में चल सकती है. ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर? यस सर, क्लियर. ओके, तो ये आपका वो 9 लाइन का कोड है जो आपका कंपलसरी कोड है. मतलब कोई भी पेज बनाना हो तो आपको ये जो 9 लाइन की कोडिंग है ये कंपलसरी ऐड करनी है. आज की क्लास के बाद सभी लोग अपनी मेल आईडी मेरे साथ शेयर करेंगे. ठीक है, तो आप सब लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में हो, आपको अपना नेम और ईमेल आईडी अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड करनी है. तो डेली क्लास के बाद जो मैंने टास्क किया है, जो मैंने जैसे फाइल बनाई, ये मैं आपको डेली फिर मेल भी करता रहूंगा. और जब मुझे आगे टास्क देने पड़ेंगे, आपको कुछ टास्क या टास्कशीट देनी पड़ेंगी, वो भी मैं आपको मेल के थ्रू ही या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू शेयर करूंगा. ठीक है, तो आज क्लास के बाद सब लोग मुझे अपनी मेल आईडी देंगे, तो अपना नेम एंड ईमेल आईडी आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में एंटर करना है, बट अभी नहीं, क्लास के बाद. ओके, ओके. नाउ जितना भी कोड यूजर को डिस्प्ले होगा, हेडिंग, पैराग्राफ, वो सब कहाँ लिखने हैं हमें? बॉडी में. स्टार्टिंग में सबसे पहले हेडिंग आती है, जैसे H1 कौन सी हेडिंग होगी? किसी भी वेबसाइट की सबसे मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग, जैसे कि हेडिंग 1. जैसे आज का टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? HTML के टैग्स. HTML टैग्स या HTML इंट्रो हमारी आज की हेडिंग है, तो ये मेरा H1 है. ठीक है, हमारे जो बेसिक और कंपलसरी टैग है वो कौन कौन से हैं? HTML, हेड, टाइटल, मेटा और बॉडी. ये वो बेसिक टैग है जिनके बिना कभी भी वेबसाइट नहीं बनती. ठीक है, टोटल टैग हमारे पास 145 है, और ऑब्वियसली हम लोग एक ही दिन में सारे टैग कंप्लीट नहीं करने वाले. हमें एक एक करके इन टैग्स को यूज करना है और इनका यूजेज सीखना है. एट्रीब्यूट्स हमारे पास होते हैं क्लास, आईडी, टाइटल, टाइप, लेकिन अभी हम सिर्फ एक दो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं. पहला एट्रीब्यूट जो रिक्वायर्ड है वो कौन सा है? लैंग. कहाँ आएगा? HTML में. और मेटा में तो हमेशा कैरेक्टर आएगा ही आएगा. ठीक है, तो बाकी जो टैग होते हैं एट्रीब्यूट्स वगैरह में के इनसाइड यूज होंगे. और टैग और एट्रीब्यूट से वेबसाइट बनती है. सबसे पहले हमारा डॉक टाइप आता है, और डॉक टाइप टैग नहीं है, और इसके अलावा एक कमेंट्स होते हैं, ये भी टैग नहीं है. ओके, हेलो सर. यस अरुण सर, ये एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट किसी भी टैग को एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देते हैं. जैसे ये H1 है. अब H1 एक टैग है, इसमें मैंने अलाइन नाम का एट्रीब्यूट दिया. इसमें अलाइन नाम का एट्रीब्यूट दिया और इसको वैल्यू दे दी सेंटर. जैसे ये एट्रीब्यूट क्या कर रहा है? H1 के टेक्स्ट को सेंटर में लेके आ रहा है. ठीक है, लेकिन HTML 5 में ये एट्रीब्यूट रिमूव हो गया है. ठीक है अरुण, आप प्लीज म्यूट कर लो, आपकी डिस्टर्बेंस आ रही है आपके सिस्टम पे. ठीक है, तो दिस इज एन एट्रीब्यूट, लेकिन ये एट्रीब्यूट HTML 5 में रिमूव हो गया है, क्योंकि इस एट्रीब्यूट का काम क्या है, इसकी फंक्शनलिटी क्या है? ये स्ट्रक्चर दे रहा है या स्टाइल दे रहा है? ये एट्रीब्यूट क्या कर रहा है? HTML को स्टाइल दे रहा है. तो स्टाइल देने का काम किसका है HTML 5 में? ये काम करने के लिए हमारे पास CSS है. तो अलाइन एट्रीब्यूट HTML 4 में था, 5 में ये काम नहीं करता. मतलब काम करता है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, हमें इसको नहीं यूज करना चाहिए. वन मोर थिंग इन HTML इज कमेंट्स. अगर हम HTML में कुछ भी लिखें टैग्स के अलावा, जैसे मैंने यहाँ लिखा बॉडी स्टार्ट्स और यहाँ लिख दिया बॉडी एंड्स, क्या ये जो कोड हमने लिखा है बॉडी स्टार्ट और बॉडी एंड, क्या ये हमें ब्राउजर पर डिस्प्ले होगा, दिखाई देगा? यस सर, दिखाई. यस, क्योंकि हम बॉडी में जो भी लिखते हैं वो विंडो पे स्क्रीन पे दिखाई देता है. तो एक्चुअल में अगर मुझे कुछ नोटिफिकेशन लिखनी हो जो स्क्रीन पे डिस्प्ले ना हो, उसे हम लोग कमेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं. तो ये दोनों कोड हमें कमेंट्स में लिखने पड़ेंगे. कमेंट स्टार्ट होते हैं लेस देन, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर डबल हाइफन से ओपन और डबल हाइफन ग्रेटर देन से क्लोज. तो कमेंट में लिखा हुआ कोड जो होता है वो आपके कोड में तो रहता है, लेकिन स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता, दिखाई नहीं देता. ठीक है, तो ये होते हैं HTML में कमेंट्स. सर, ये कमेंट्स का क्या मतलब होता है? सी, जब आप एक वेबसाइट पे काम करते हो, तो जैसे मैंने कहा, सपोज आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, उसके बाद इसमें बैक एंड वाली टीम काम करेगी, और उसी के बाद उसी कोड पे टेस्टिंग वाली टीम काम करेगी. ठीक है, अब सपोज आपने एक फॉर्म बनाया, और वो फॉर्म HTML में बनता है, लेकिन फॉर्म का जो फंक्शनलिटी है कि सर्च करके डेटा जो लेके आना है, वो कहाँ से आएगा, फ्रंट एंड से या बैक एंड से?
बैकएंड्स. तो इस फॉर्म को मैंने बनाया लेकिन इसमें कमेंट क्या लिख दिया, सर्च फॉर्म. तो मैंने इसके ऊपर एक कमेंट लिख दिया सर्च फॉर्म. तो जब ये फॉर्म बैकएंड वाली टीम इस कोड को चेक करेगी तो उनको समझ आता है कि ये वाला फॉर्म किसने बनाया गया था सर्चिंग के लिए. तो वो समझ जाएंगे कि हाँ इस फॉर्म के क्लिक पे हमें सर्च का डेटा डिस्प्ले कराना है. ठीक है, तो एक्चुअल में ये मैसेज कन्वे करने का भी काम करता है क्योंकि पहले आप फ्रंट एंड में कोड करोगे, उसके बाद यही कोड बैक एंड की टीम के पास जाएगा, उसके बाद यही कोड जाएगा टेस्टिंग वालों के पास. ठीक है, तो उस मैसेज को कन्वे करने के लिए हम लोग एचटीएमएल के कोड में कमेंट्स लिखते हैं. ये कमेंट्स आपके कोड में रहते हैं लेकिन ये कभी भी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होते. ठीक है, लेकिन जब वेबसाइट को लाइव करना होता है तो उससे पहले ये सारे के सारे कमेंट्स को हटा दिया जाता है. क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में आपकी वेबसाइट को हैवी कर रहे हैं, मतलब ये आपके कोड में स्पेस में जगह ले रहे हैं ना, तो इससे आपकी जो फाइल का साइज है वो हैवी हो रहा है. ठीक है, और आपका पर्पस तो पूरा हो गया है ना, आपकी वेबसाइट बन गई है, डेवलपमेंट बैकएंड का पार्ट भी हो गया है और टेस्टिंग भी हो गई है. तो इसलिए कमेंट्स को प्रोडक्शन में जब फाइनल वेबसाइट कोड कंप्लीट हो जाता है तो इसको रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, तो ये सब कब तक रहेंगे आपकी वेबसाइट में, जब तक आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट स्टेज में, जब तक आपका कोड बन रहा है. ठीक है, अब सपोज आपको इस पूरी वेबसाइट में एक जगह पे एनिमेशन ऐड करनी है, आप कोडिंग कर रहे हो, अब आगे जाके शायद आप भूल जाओ कि मुझे एनिमेशन कहाँ करनी थी, तो आप H1 के बाद एक कमेंट लिख सकते हो जैसे स्पेस फॉर एनिमेशन, और इतना करके आप अपना काम आगे कर सकते हो. तो एक कमेंट रहेगा ना, आपको याद रहेगा कमेंट देखे कि हाँ यहाँ पे जो कंटेंट है वो कौन सा आएगा, एनिमेशन का. जब एनिमेशन का कोड कम्प्लीट हो जाएगा, एनिमेटर आपको कोड दे देगा, तो पूरा कोड हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे. ठीक है, तो कमेंट इसलिए होता है वेबसाइट में. सो बेसिकली जो वीडियो अगर कमेंट हम मेंशन करते हैं तो ये एक सर्वर से लिंक किया जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, कमेंट का काम स्टैटिक है, फ्रंट एंड पे तो है. नहीं, आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ उसकी वीडियो की. अगर वीडियो को कोड डलता है तो वो एक सर्वर से लिंक होती है डायरेक्टली इसमें? नहीं, हम लोग एचटीएमएल फाइल, हमारे पास उसके लिए टैग होता है वीडियो नाम का. दिस इज द टैग जिसमें हम डायरेक्टली सोर्स दे सकते हैं. अब वीडियो बनाएगा कौन, ये तो कोई वीडियो एडिटर ही बनाएगा ना. तो अभी आप ये भी कर सकते हो, आप वीडियो का सोर्स और कंट्रोल सर्टिफिकेट देखे इसको खाली छोड़ दो, और जब वीडियो आएगा सर्वर से तो वो यहाँ पे एम्बेड हो जाएगा. ठीक है, लेकिन जब वेबसाइट चल रही है, सी ये वीडियो का पेयर तो बन गया लेकिन ये खाली है जी. ये खाली है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को कमेंट कर सकते हैं. तो इससे वीडियो आपके कोड में रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा. सी, तो आपका बाकी का कोड दिखाई देगा, ये वाला कंटेंट अभी आपको डिस्प्ले ही नहीं होगा. ओके, या सपोज यहाँ पे कोई पिक्चर लग रही है लेकिन पिक्चर अभी बनाई नहीं है ग्राफिक डिजाइनर ने. ठीक है, तो हम पिक्चर टैग लगा के उसको कमेंट कर सकते हैं. So this is also tag 145 जो tags आपने नहीं 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 this is not a tag, ये tag नहीं है, attributes tag नहीं होते, doc type tag नहीं है, comments भी tag नहीं है. tag कौन से हैं, जो less than से start होते हैं, less than exclamation से जो start होते हैं वो tag नहीं है. ठीक है, okay, ये attributes है ये. नहीं नहीं नहीं, ये comments और doc type जो होते हैं ये tag नहीं होते. attribute red color में दिखाई दे रहे हैं आपको, lang और char set, ये attribute है जो opening tag में आते हैं. तो डॉक टाइप एंड कमेंट बोथ आर नॉट टैग, ये दोनों एचटीएमएल में टैग्स नहीं है. ओके, सो जो ये ग्रिड में जो शो हो रहा है इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ कमेंट. ओके, जस्ट अ कमेंट बोलेंगे नेम. हां, दिस इज जस्ट अ कमेंट. ठीक है, ये कोड की नोटिफिकेशन के लिए होता है, और जब फाइनल वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, प्रोडक्शन में आती है, तो हम इस कमेंट को रिमूव कर देंगे. ठीक है, ओके. So this is doc type and ये हमारे HTML के comments होते हैं. Okay, now ये तो है हमारा basic minimum code, जैसे मैंने आपको बताया, this is the 9th line of code जो कि compulsory है, required है. लेकिन ये वो code required है जो, अच्छा ये required code किसने set किया हुआ है, कि मतलब इतना code कम से कम होना चाहिए, ये किसके standards हैं जो हम follow कर रहे हैं? ये जो code minimum 9 lines होना चाहिए, ये कौन सी authority ने बनाया है, मतलब कौन सा इसके लिए जो पीछे अथॉरिटी है जिसके स्टैंडर्ड्स हैं? HTML5 बट किसने बनाया है? W3C. हाँ, तो ये स्टैंडर्ड बनाया है W3C ने, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने. अब मैं इसमें टेक्स्ट लिखता हूँ H1. H1 क्या है हमारी? ठीक है, दिस इज हेडिंग लेवल 1, P
पी क्या होता है हमारे पास पैराग्राफ ए टैग से क्या बनता है एड्रेस हाइपरलिंक ए टैग से हाइपरलिंक बनते हैं और ये हमारे पास बटन है जिसके क्लिक पे हम लोग कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे जो कि जेएस बेस्ड होता है जैसे कि ये बटन है। तो ये वेबसाइट आपको डेस्कटॉप पे प्रॉपर डिस्प्ले हो रही है प्रॉपर दिखाई दे रही है। आज के टाइम पे जब हम वेबसाइट बनाते हैं क्या सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए बनाते हैं या फिर और भी डिवाइसेज हैं अदर डिवाइसेज जिन पे वेबसाइट चलती है तो लैपटॉप डेस्कटॉप के मोबाइल के अलावा वेबसाइट कहाँ कहाँ रन करती है अब तो मोबाइल पे टैब पे इसके अलावा और टीवी किसमें टेलीविजन स्मार्ट टीवी या यू कैन से स्मार्ट टीवी में भी वेब ब्राउजर होते हैं तो उसमें भी वेबसाइट चलती है और कई बार वेबसाइट ऐप के अंदर भी चलती है जिसको हम कहते हैं वेब व्यू। ठीक है तो कई बार वेबसाइट का जो पेज होता है वो किस में चलता है ऐप के अंदर लेकिन वो ऐप में उसी ऐप में चलेगा जो उन्हीं की है। जैसे अगर मुझे अमेजोन का लिंक आया कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो डिलीवरी के लिए निकल चुका है और एक छोटा सा लिंक है ट्रैकिंग के लिए तो अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हो और आपके फोन में अमेजोन की ऐप है तो फिर वो लिंक ब्राउजर में ओपन होता है या अमेजोन ऐप में ओपन होता है अगर आपके पास ऐप है अमेजोन ठीक है वो ऐप के अंदर ओपन होता है और अगर आपके पास ऐप नहीं है तो ब्राउजर से तो वो ब्राउजर में ओपन होता है। तो इन शॉर्ट जो हमारी एप्स होती है ना एंड्रॉइड ऐप आईफोन ऐप इनके अंदर भी एचटीएमएल के कोड को सपोर्ट करते हैं। आप लोग कभी एंड्रॉइड फोन में जब अपडेट होते हैं ना आपके एंड्रॉइड का अपडेट उसमें एक ऐप लिखी आती है वेब व्यू। ठीक है तो एंड्रॉइड के अंदर पहले से ही क्या होता है एक ऐप वेब व्यू के नाम से। वेब व्यू क्या होता है कि आपके फोन में एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के लिए कोड होता है पहले से। तो वेब व्यू क्या करता है आपकी ऐप के अंदर एचटीएमएल के पेजेस को डिस्प्ले करा देता है। ठीक है तो आपकी ऐप के अंदर भी एचटीएमएल के कोड को डिस्प्ले करवा देता है। सो इन शॉर्ट जो हम कोडिंग कर रहे हैं ये सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप के ब्राउजर के लिए नहीं है ये टैब के लिए होगी मोबाइल के लिए होगी और ये वेब व्यू के लिए भी होगी। ठीक है लेकिन क्या हमने इसको टेस्ट किया है अभी अभी हम इसको कहाँ टेस्ट कर रहे हैं हमारा पेज टेस्ट हो रहा है लाइव तो हम देख पा रहे हैं लेकिन कौन से डिवाइस पे डेस्कटॉप पे। ठीक है ना तो करेंटली हम इसको सिर्फ कहाँ चेक कर पा रहे हैं डेस्कटॉप पे। नाउ हम इसको राइट क्लिक करके जब इंस्पेक्ट करते हैं ना तो इंस्पेक्ट आपको मैंने बताया था इंस्पेक्ट एलिमेंट के साथ ना एक मोबाइल का आइकन बन के आता है इसपे क्लिक करने से ये इसको मोबाइल का व्यू देता है। लेट्स से मैंने अपना फोन पिक किया तो आई एम यूजिंग दिस फोन तो मैंने आईफोन 10 चूज किया और मैं इंस्पेक्ट को राइट साइड कर देता हूँ। ठीक है और स्क्रीन को 100% कर देता हूँ जितना कि फुल साइज हो। तो जब मैं इस वेबसाइट को आईफोन 10 पे देखूंगा तो हेडिंग जो है वो प्रॉपर विजिबल हो रही है पैराग्राफ भी प्रॉपर विजिबल हो रहा है क्या नीचे के हाइपरलिंक और बटन प्रॉपर डिस्प्ले हो रहे हैं। No. तो आपको क्या करना पड़ेगा मोबाइल पे आपको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा जूम करना पड़ेगा लेकिन जब आप इसको क्लोज करते हो तो डेस्कटॉप पे तो ये ठीक आ रहा था। इन शॉर्ट जो हमारी बनाई वेबसाइट है ये बाय डिफॉल्ट सिर्फ कौन से ब्राउजर के लिए होती है डेस्कटॉप के ये बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप के लिए ये अभी मोबाइल के लिए कॉम्पैटिबल ही नहीं है। और इसको चेक करने के लिए अगेन राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट और इंस्पेक्ट में मोबाइल चूज कर लो। तो जैसे ये नीचे आ रहा था यहाँ से मोबाइल चूज करो आप कोई भी डिवाइस चूज कर सकते हो। ठीक है और उसके बाद मैंने इसको राइट क्लिक पे कर दिया। अब इसका रीजन क्या है आपके सामने ऊपर आईफोन 10 का स्क्रीन साइज दिखा रहा है तो आईफोन 10 की विंडो साइज कितना है थ्री इंस्पेक्ट में दिखा रहा है ना कितना है 375। लेकिन जब आप यहाँ पे एचटीएमएल पे हवर करते हो तो आपको यहाँ पे ना एक ब्लू कलर का वो एरिया सेलेक्ट हो रहा है उसके नीचे देखो इसका साइज कितना लिखा रहा है ये पढ़ा जा रहा है आपसे 980x402 या 980x402 एक्चुअल में जो आईफोन 10 है वो 375 है लेकिन मेरा कंटेंट ज्यादा आ रहा है तो मेरा कंटेंट कितना आ रहा है 980 मतलब हम लोग बड़े कंटेंट को छोटी स्क्रीन में श्रिंक करके देख रहे हैं। तो एक्चुअल में जो हमने कंटेंट लिखा था ये डेस्कटॉप के लिए था ये मोबाइल के लिए कंपैटिबल नहीं है नहीं। लेकिन जब वेबसाइट बनाई गई थी 30 years back 30 साल पहले क्या तब मोबाइल जैसी कोई चीज होती थी नो। ठीक है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का ट्रेंड कब से स्टार्ट हुआ है जैसे हमने टेकएडम की वेबसाइट को 2013 में रिस्पॉन्सिव बनाया था लेकिन जो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिव का ट्रेंड शुरू हुआ था वो 2014-15 के बाद शुरू हुआ था। ठीक है तो हमारी जो वेबसाइट टेकएडम की पहली बार लॉन्च हुई थी 2012 में जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था तब हमारी भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं थी
उस समय जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट थी वो बहुत कॉस्टली बनती थी, क्योंकि उस समय हमें दो वेबसाइट बनवानी पड़ती थी रिस्पॉन्सिव के लिए, ठीक है। सो इतने टाइम पहले जो वेबसाइट थी वो दो बनती थी। जैसे अगर आप मोबाइल पे फेसबुक ओपन करते हो ऐप नहीं वेबसाइट, तो फेसबुक का डोमेन कैसे आता है? अगर आप मोबाइल पे फेसबुक ओपन करते हो डेस्कटॉप की तरह नहीं, डेस्कटॉप की तरह ये देखो मैंने मोबाइल इंस्पेक्ट में facebook.com ओपन किया है, ध्यान से देखो ये वेबसाइट क्या ओपन हो रही है, इज इट facebook.com या m.facebook.com? m.facebook.com। तो फेसबुक की वेबसाइट मोबाइल पे अलग चलती है, उसका जो डोमेन है वो m.facebook आता है, मतलब सब डोमेन आता है। और जब हम मोबाइल को कैंसिल कर देते हैं तब कौन सा आता है? तब वो फेसबुक आता है। तो फेसबुक की दो वेबसाइट्स हैं, एक facebook.com डेस्कटॉप ब्राउजर के लिए और एक m.facebook मोबाइल के लिए, ठीक है। तो 2013 के टाइम पे एक्चुअल में यही तरीका था वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने का, कि मोबाइल के लिए एक अलग वेबसाइट बनवानी पड़ती थी। अब अलग वेबसाइट का मतलब क्या होगा, आपकी वेबसाइट की कॉस्ट डबल हो जाएगी, आपको दो दो कोड करने पड़ेंगे, आपको दो दो होस्टिंग परचेज करनी पड़ेंगी। तो जहां आपकी वेबसाइट सपोज 5000 रुपीज साल के स्पेंड हो रहे हैं, अब आपको 10,000 स्पेंड करने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि उस समय मोबाइल के यूजर इतने नहीं होते थे और इंटरनेट इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं था, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनवाते भी नहीं थे, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनी से अफोर्ड कर पाते थे। अब ऐसा नहीं है। सो अब एक छोटा सा टैग आ गया है HTML5। तो HTML5 की वेबसाइट की खासियत क्या है, ये मोबाइल फ्रेंडली है, ये रिस्पॉन्सिव है, लेकिन इसके लिए एक एक्स्ट्रा टैग लगाना पड़ेगा एंड दैट इज मेटा व्यूपोर्ट। तो HTML में एक एक्स्ट्रा मैंने टैग लगा दिया जिसका नाम क्या है, मेटा व्यूपोर्ट हेड में। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ तभी लगाना है जब आपको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव यानी कि मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, ठीक है। अब आप सेम कोड को देखो डेस्कटॉप पे, क्या कोई डिफरेंस आ रहा है? डेस्कटॉप पे कोई डिफरेंस आ रहा है? नो। लेकिन मोबाइल इंस्पेक्ट में जैसे ही देखोगे सी आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, अब आपके लिंक और पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, प्लीज सब लोग अपने सिस्टम्स को म्यूट कर लो, एंड जब आपको किसी अदर्स बाकियों को डिस्टर्बेंस हो रही है, ओके जस्ट म्यूट योरसेल्फ। जब आपको डाउट होता है ओनली दैट टाइम यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है। सो सी ये सेम वेबसाइट अब आपके मोबाइल पे डिस्प्ले हो रही है, प्रॉपर दिखाई दे रही है एक एक्स्ट्रा टैग लगाने से। तो पहले ये 375 था लेकिन हमारा कंटेंट 980 आ रहा था। अब आप अपना कंटेंट देखो HTML का कितना आ रहा है, तो पहले HTML जो नीचे आ रहा था वो 980 आ रहा था, अब HTML का जो कंटेंट है वो 375 आ रहा है, मतलब उसी साइज का जितना हमारा डिवाइस है। अगर आप डिवाइस चेंज करो सैमसंग गैलेक्सी S5 तो वो 360 है और उसमें 360 ही आ रहा है। अगर आप डिवाइस चेंज करो iPad वो 768 है तो उसमें कंटेंट 768 आ रहा है, मतलब कंटेंट डिवाइस के बराबर आएगा। सो ये एक एक्स्ट्रा टैग हमने लगाया वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, लेकिन ये W3C के अकॉर्डिंग कंपल्सरी नहीं है। बट क्या हमें ये टैग यूज करना चाहिए, क्योंकि ये कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन इसे लगाने से मेरी वेबसाइट मोबाइल पे चल रही है। सो क्या मुझे ये रिकमेंड करना चाहिए या फिर इग्नोर करूं? What to do? क्या करें? इसको लगाना चाहिए? लगाना चाहिए सर। इग्नोर करना चाहिए, लगाना चाहिए। लेकिन W3C इसको रेकमेंड नहीं करता है। So as per W3C ये कंपल्सरी नहीं है। It's not recommended। ये जरूरी नहीं है। लेकिन हमें पता है कि जैसे मुझे पता है कि मेरी वेबसाइट के 50% यूजर जो हैं वो मोबाइल पे आते हैं, तो इसलिए ये एक ऐसा मेटा टैग है जो कंपल्सरी तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अनदर मेटा टैग जो आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और इसको ऐड करने से हमारी वेबसाइट जो होती है वो मोबाइल पे भी कॉम्पेटेबल हो जाती है। आज के टाइम में अगर हम देखें तो 50% जो वेबसाइट्स हैं वर्ल्ड की वो एक्चुअल में मोबाइल पे ओपन होती हैं, ठीक है। हमारी वेबसाइट 50% वेबसाइट मोबाइल पे ओपन होती है। बट W3C इसको कंपल्सरी नहीं कहता, वो नहीं कहता कि ये टैग कंपल्सरी है, ये ऑप्शनल है। अब ये हम लगाते हैं सिर्फ मोबाइल के लिए और टैब आईपैड के लिए, क्योंकि डेस्कटॉप को इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हेलो हेलो यस सर, ये टैग जो लगाया है अभी आप बोल रहे थे W3C से कंपल्सरी नहीं बोलता है, मैं कह रहा हूँ W3C के अकॉर्डिंग ये कंपल्सरी नहीं है लेकिन फिर भी हम इसका यूज करेंगे। हमें ये अगर मोबाइल पे शो करानी है तो हम इसे यूज करेंगे ना? बिल्कुल, बट W3C के अकॉर्डिंग ये कंपल्सरी नहीं है। अगर डेस्कटॉप पे शो करानी है तो नहीं यूज करेंगे बिल्कुल। बट एक्चुअल में आज की डेट में कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो सिर्फ डेस्कटॉप पे चलती है? क्योंकि इंडिया का ही अगर हम रेशियो देखें तो 50% लोग इंडिया के मोबाइल पे ब्राउजिंग करते हैं,
ठीक है, जब हम लोग वेबसाइट को एनालिसिस करते हैं ना, चेक करते हैं, तो किसी भी वेबसाइट में 50% यूजर तो डेस्कटॉप वाले हैं और 50% यूजर अब मोबाइल वाले हैं। इवन कई वेबसाइट्स के तो मोबाइल यूजर ज्यादा हो गए हैं, जैसे मेरे ट्यूटोरियल के मोबाइल यूजर डेस्कटॉप से ज्यादा हो गए। ओके, तो एक्चुअल में ये टैग हमें इग्नोर नहीं करना, क्योंकि हमारी वेबसाइट मोबाइल पे भी कॉम्पैटिबल होनी चाहिए। तो ये पहला स्टेप है कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाया जाए। लेकिन ये कंपलसरी क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो मेटा टैग है ये W3C ने नहीं बनाया, ये बनाया था एप्पल ने सिर्फ अपने सफारी ब्राउजर के लिए। तो ये जो मेटा टैग है ना, ये एप्पल ने बनाया था सफारी ब्राउजर के लिए, क्योंकि सबसे पहले जब आईफोन्स आए थे उनकी स्क्रीन इतनी बड़ी थी कि उसमें प्रॉपर वेबसाइट ओपन हो जाती थी, लेकिन वेबसाइट स्केल नहीं होती थी, बहुत छोटी नजर आती थी। तो एप्पल ने क्या कहा, एक एक्स्ट्रा टैग लगाया मेटा व्यूपोर्ट, और डेवलपर्स को कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट आईफोन पे, आईफोन के ब्राउजर पे प्रॉपर डिस्प्ले हो, तो ये टैग ऐड कर देना हेड में। तो जिन जिन डेवलपर्स ने अपनी वेबसाइट में मेटा व्यूपोर्ट ऐड किया, उनकी वेबसाइट आईफोन्स में प्रॉपर चलने लगी, ठीक है। और उसके बाद आए एंड्रॉयड फोन्स, तो एंड्रॉयड ने भी क्या किया, इसी टैग का यूज किया। तो एंड्रॉयड और आईफोन दोनों मोबाइल के ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक्चुअल में इस मेटा व्यूपोर्ट के अकॉर्डिंग वेबसाइट को, कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कुछ चीजें W3C ने स्टैंडर्ड, जैसे W3C के अकॉर्डिंग ये कंपलसरी नहीं था, बट फिर भी हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। एक टैग और ऐसा है जो W3C कंपलसरी नहीं कहता, लेकिन फिर भी हम वेबसाइट पे यूज करते हैं, वो है ये वाला मेटा HTTP इक्विवेलेंट XUA compatible IE equal to H। तो अगर आपके सिस्टम, आप लोग विंडोज यूज कर रहे हो, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर यूज किया होगा स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने सबसे पहले वही ब्राउजर यूज किया था। लेकिन अब वो ब्राउजर धीरे धीरे क्या हो रहा है, मार्केट से खत्म हो रहा है। इस साल के जून में तो वो खत्म हो जाएगा टोटली, तो माइक्रोसॉफ्ट उसको वार्निंग देने लगा है, क्योंकि 4 या 6 महीने के बाद उसकी एक्सपायरी है। जून में वो ब्राउजर जो है वो टोटली खत्म हो जाएगा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट उसको अपडेट करना बंद कर देगा। लेकिन इस वेबसाइट, इस ब्राउजर पे जो अपग्रेड है, अपडेट्स है ना, वो पिछले 5-6 साल से बंद हो गए, लेकिन आज भी बहुत सी वेबसाइट्स लोग उस ब्राउजर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब उस ब्राउजर को माइक्रोसॉफ्ट अपग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन लोग अभी भी उसका यूज तो करते हैं। इसीलिए एक एक्स्ट्रा टैग लगाया गया है, ताकि जो माइक्रोसॉफ्ट का IE, तो IE कौन सा ब्राउजर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउजर है वो एज की तरह कॉम्पेटेबल हो जाए, ठीक है। तो एक और टैग हमें लगाना पड़ा, सिर्फ किसके लिए, वर्ल्ड की 1% वेबसाइट के लिए। तो एक्चुअल में ये टैग हमने किन के लिए लगाया, ये लगाया माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट के लिए। तो ये है इंडिया के 1% यूजर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके 1% यूजर आज भी इंटरनेट एक्सप्लोरर वाले हैं। और ये हमें लगाया अप्रोक्स इंडिया के 50% यूजर्स के लिए, ठीक है। तो अगर हम ये दो एक्स्ट्रा टैग लगा के चलें, तो हमारी वेबसाइट पे क्या होगा, हमें ज्यादा अच्छी सपोर्ट मिलेगी। सर एज का क्या मतलब हुआ, एज माइक्रोसॉफ्ट ने, देखो माइक्रोसॉफ्ट का जो पहला ब्राउजर था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर था, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा ब्राउजर आया था उसका नाम क्या था, जो अभी विंडोज 10 में ब्राउजर आ रहा है उसका नाम क्या है, एज ही तो है। Edge. ये जो मेटा टैग है ये माइक्रोसॉफ्ट ने लगाया है कि उनका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है वो एज की तरह कॉम्पेटेबल हो। तो ये एक्स्ट्रा टैग लगाने से क्या होता है, वेबसाइट आई पे जो कॉम्पेटेबल नहीं भी होती वो एज जितनी कॉम्पेटेबल वहां पे चल जाती है। लेकिन सिर्फ कितने परसेंट लोग इंडिया में आई यूज कर रहे हैं, अप्रोक्स 1% या इससे भी कम होंगे शायद, ठीक है। तो अगर हम इसको नहीं लगाएं तो बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन 1% बहुत होता है। जैसे मैं अपने ट्यूटोरियल की बात करूं, तो मेरे ट्यूटोरियल पर डे एक दिन में 3000 लोग आते हैं, तो 3000 का 1% बहुत ज्यादा तो नहीं है, अप्रोक्स 30 दिन है। लेकिन अगर मैंने ये टैग नहीं लगाया तो डेली मुझे कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, अगर मैं एवरेज देखे तो 30 लोगों का डेली, 30 का तो पूरे एक महीने में कितना हो गया, ये अप्रोक्स 900 का। मतलब 900 लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे, लेकिन उनको मेरा ट्यूटोरियल जो है वो उनके लैपटॉप पे कॉम्पैटिबल नहीं होगा, तो क्या वो यूजर दोबारा मेरी वेबसाइट को ओपन करेंगे, अगर उनके ब्राउजर में वो आर्टिकल ओपन ही नहीं हुआ तो चला ही नहीं। नो सर, तो क्या वो लोग दोबारा आएंगे, नहीं। तो डेली बेसिस पे मुझे 30 लोगों का नुकसान हो रहा है, और मंथली बेसिस पे 900 यानी कि 1000 लोगों का नुकसान हो रहा है।
और मेरा जो ब्लॉग है इट्स एन एजुकेशन ब्लॉग, मैं इस पे एड्स भी रन करता हूँ. तो इन शॉर्ट मुझे अगर 1000 लोगों की मतलब मेरे आर्टिकल हर महीने मेरी वेबसाइट से जाएंगे तो मुझे अपना रेवेन्यू जो एड्स का रेवेन्यू वो भी तो मेरा लॉस होगा. तो एक छोटा सा एक्स्ट्रा टैग लगाने से हमें उनकी सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है. लेकिन ये तभी तक है जब तक माइक्रो लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज कर रहे हैं. तो अब जैसे मैंने कहा कि जून 2022 इस साल के जून के बाद आई मार्केट से खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्राउजर की अपडेट खत्म होंगे, लोग तब भी उसको यूज करते रहेंगे. तो एक साल या फिर मैक्सिमम 2 साल के बाद क्या होगा, इस ब्राउजर को यूसेज होगा बिल्कुल जीरो हो जाएगा. तो तब तक हम एक्स्ट्रा इस टैग को एक्स्ट्रा ऐड करके चल रहे हैं. बेसिकली सर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो ज्यादातर गवर्नमेंट की वेबसाइट के लिए होता है, जैसे ईएसआई पीएफ के लिए भरने के लिए होता है ज्यादातर लोग. उसका रीजन क्या है, वो जो वेब अब जैसे गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आईसीसी कर में एसबीआई बैंक की एप्लीकेशन है, ये सारे के सारे 15-20 साल पहले बनवाए गए थे. और उस समय सबसे मेन पॉपुलर ब्राउजर कौन सा होता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर ही होता था. तो उन वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो एक्चुअल में उसी ब्राउजर के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ओके. तो एक्चुअल जो वेबसाइट है वो उन ब्राउजर के अकॉर्डिंग बनाई गई है, लेकिन इस ब्राउजर की डेडलाइन आ चुकी है, इस साल जून 2022 में ये ब्राउजर आउटडेट हो जाएगा. उसके बाद इस पे वायरसेस आना या फिर जो स्कैमिंग होगी, हैकिंग होगी, वो बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने उसको अपडेट करना बंद कर दिया है. और उसकी जो लास्ट डेडलाइन है वो जून 2022 है, इस साल का के जून तक है, ठीक है. तो मैक्सिमम इंडिया में गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स हैं वो आज भी इसी ब्राउजर पे ही चलती है, वो बहुत आउटडेटेड और पुराने स्टाइल की वेबसाइट्स हैं, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द बेसिक कोड जो हमारी वेबसाइट पे रिक्वायर्ड होता है, ठीक है. तो एक्चुअल में आपको ये दो एक्स्ट्रा टैग भी यूज करने पड़ेंगे, ठीक है. यस सर. हेलो. यस विकी. यस सर, थोड़ा सा यूटीएफ 8 के बारे में नहीं समझा मैं, इसको किस लिए यूज करते हैं. दिस इज कॉल्ड करेक्टर एनकोडिंग. हम लोग जो करेक्टर यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, अल्फाबेट्स, नंबर, स्पेशल करेक्टर, हिंदी के करेक्टर, वो सारे ब्राउजर पे डिस्प्ले होंगे, सारे ब्राउजर पे रेंडर करें, सब पे दिखाई दें, ठीक है. जैसे मैंने एक लाइव एग्जांपल दी थी, कौन सी, गूगल ट्रांसलेट की. तो अगर मैं अपनी वेबसाइट में हिंदी लिखता हूँ, जैसे कि हिंदी टू इंग्लिश, तो नमस्ते जो है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, मतलब इसको टाइप हमने किस में किया है. तो ये नमस्ते जो हमने लिखा है ये किस में है, ये देवनागरी में, ओके. तो नमस्ते किस में लिखा है हमने, देवनागरी में. हमने यूटीएफ 8 यूज किया तो सी ये आपको प्रॉपर डिस्प्ले यानी कि दिखाई दे रहा है. लेकिन अगर हम यूटीएफ 8 यूज नहीं करेंगे तो ये ब्राउजर का जो अपना एनकोड है उसके अकॉर्डिंग चलेगा. तो क्रोम पे ये तब भी चल रहा है, तो क्रोम का अपना एनकोडिंग कौन सी है, क्योंकि क्रोम पे ये चल रहा है, मतलब क्रोम यूटीएफ 8 ही चलता है. लेकिन जो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है ना, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये यूटीएफ 8 नहीं है, ये यूज करता है विंडोज 1252 एनकोडिंग को. और क्या विंडोज 1252 हिंदी को सपोर्ट करता है, तो क्या ये हिंदी सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा. इन शॉर्ट अगर आपकी वेबसाइट पे हिंदी करेक्टर हुआ और आपने करेक्टर एनकोड नहीं दिया तो प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन सिर्फ कौन से यूजर को, जो आई यूज कर रहे हैं. तो अब हम चाहते हैं कि वेबसाइट आई पे कॉम्पैटिबल हो, उस पे भी चल जाए, तो इसलिए यूटीएफ 8 देना जरूरी है, ठीक है. तो इसलिए यूटीएफ 8 देना जरूरी है. तो ये करेक्टर एनकोडिंग के लिए होता है, ताकि हमारे करेक्टर सारे ब्राउजर पर चल जाए. आप सब लोग अगर इंटरनेट, आप सब लोग विंडोज यूजर हो ना, तो आप लोग इसको टेस्ट भी कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे नमस्ते जो लिखा ना इसको रिमूव नहीं करूंगा, मैं जब आपको फाइल मेल करूंगा ना, आपकी फाइल जब डाउनलोड हो जाएगी ना, आप उसको राइट क्लिक करके ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कर सकते हो. तो आपके सिस्टम में अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, आप लोग विंडोज 10 यूजर हो या 8 यूजर हो या 7 यूजर हो, तो विंडोज 10 में 7 में और 8 7 और 10 में आई होता है, लेकिन 11 में नहीं आ रहा. तो 11 में इंटरनेट एक्सप्लोरर है ही नहीं, तो आप ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर कर देना. और अगर आपने ये टैग को हटा दिया ना, फिर देखना ये काम ही नहीं करेगा, ओके. तो ये आप सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही टेस्ट कर सकते हो, ये एक्चुअल में मेनली उसी पर्पस के लिए है. नाउ ये जो पूरा कोड होता है, ये आपको बार बार मैंने बताया कि ये सारे, जैसे अगर मैं ये सारा कोड हटा दूं, इस 11 लाइन के कोड में जो 6 और 7 है ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है.
बाकी इतना जो कोड है ये क्या है हमारा, तो ये कंपलसरी कोड है, ये दो चीजें ऑप्शनली ऐड की थी हमने, ठीक है। तो हमारे पास वीएड कोड में एक शॉर्टकट भी होता है जो एक ही बार में पूरा का पूरा कोड टाइप कर देता है। जैसे आप सीधा एक्सक्लेमेशन मार्क लिखो वीएस कोड में एचटीएमएल फाइल बना के, तो एमिट आता है, इस पर क्लिक करो, ये आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट करके दे देता है, आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि आप लोगों को इंटरव्यूज क्रैक करने आगे जाके, और वहां पे माइट भी आपसे ये पूरा का पूरा कोड लिखवाया जाए, आपको सिंपल एडिटर दिया जाए जिसमें ये फीचर ना हो, इसलिए आपको ये याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा जो पेज का स्ट्रक्चर है वो याद करके लिखना है, ठीक है। या तो आप लोगों के लिए इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें एक एक जो बेसिक होता है ना वो डिटेल में पूछा जाता है कि एक एक चीज का मतलब क्या है। तो यू शुड नो कि टाइटल क्यों है, कैरसेट क्यों है, HTTP इक्विवेलेंट क्यों है, और व्यू पोर्ट क्यों होता है, ठीक है। यस सर।